नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वीकेंड फोटोग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम समझेंगे हाईलाइट, शेडो और कॉन्ट्रास्ट क्या होता है और एक फोटो में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो यार, जनरली आप भी फोटोग्राफ लेते हो, बहुत सारे फोटोग्राफ लेते हो, बट उसमें छोटी छोटी जो मतलब कुछ टर्म्स होती हैं फोटोग्राफी में, हो सकता है कि आपके ध्यान में ना हो। आप किसी से कभी कुछ क्वेश्चन पूछने जाते हो, यार ये शेडो आ रही है या फिर ये डार्क आ रहा है, या यार कुछ हम मेरे फोटो में कुछ चीज़ें ब्राइट आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो माइट भी कुछ टेक्निकल टर्म्स आपके सामने आते होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता होगा कि यार ये होता क्या चीज़ है और इसका आपके पिक्चर पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने फ़ोटो को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे, अपने फ्रेम को बेटर आप ये कर पाओगे कि मुझे फ्रेम कैसे करना है और कितना आपको क्या चीज़ रखना है। यार सपोज़ आपने एक फ़ोटो लिया, कहीं आपने फ़ोटो क्लिक करा, तो उस फोटो में जो भी सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट होगा वो आपका हाईलाइट है और जो सबसे डार्केस्ट होगा वो शेडो है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉन्ट्रास्ट होता है। तो अगर सपोज़ करो कि मॉर्निंग के टाइम में शूट कर रहे हो जिस समय सन नहीं होता है और शेडोज़ बनती नहीं है, तो इस समय क्या होता है कि कॉन्ट्रास्ट, और यही आप थोड़ा सा जैसे धूप आ गया या फिर ज़्यादा धूप आ गया तो ये कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ होता जाता है, मतलब कि आपका शेडो इंक्रीज़ होता जाएगा, हाईलाइट्स भी आपका इंक्रीज़ होता जाएगा, तो ऑटोमेटिक दोनों जब ऐसे भागेंगे तो कॉन्ट्रास्ट बीच में बढ़ता जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और समझने के लिए ये एक बार फोटोग्राफ पे नज़र डालो और इसमें देखो, ये वाला पार्ट हमने मार्क किया है, ये हाईलाइट है, ये शेडो है। आप देख सकते हो कि इस फोटो में ये सबसे ब्राइटेस्ट पोर्शन है जिसको हमने हाईलाइट मार्क किया हुआ है, और जो सबसे डार्केस्ट पोर्शन है वो शेडो में आता है, और दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कॉन्ट्रास्ट है। तो बेसिक यही है, और अब एक बार देखना स्टार्ट करोगे इस नज़र से तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको फ्रेम में ब्राइटेस्ट जो है ऑब्जेक्ट्स कहाँ रखनी है और जिसमें शेडो ज़्यादा आ रही है या जो डार्क ऑब्जेक्ट्स है वो कहाँ पे प्लेस करना है, ये आपको फ्रेमिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। हाँ, तो यार एक और फोटो देखते हैं, इसमें हम कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के घटा के देखेंगे कि इसका फ़ोटो पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये फ़ोटो देखो आप, इसका हमने कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा पहले डिक्रीज़ कर रहे हैं, पहले घटा रहे हैं कॉन्ट्रास्ट, तो आप देख रहे हो कि यार जो ब्राइटेस्ट पार्ट है और जो डार्केस्ट पार्ट है दोनों के बीच के डिफरेंसेस कम होती जा रही हैं, और एक तरीके से फ़ोटो आपका डल भी होता जाएगा, वैसा ना लगे आपको, ये नहीं लगेगा कि फ़ोटो अपीलिंग है, मतलब कि लगेगा यार घुलता जा रहा है फ़ोटो, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि फ्लैट होता जा रहा है, बिल्कुल चीज़ें फ्लैट होती जा रही हैं और काफ़ी मतलब किसी ने धो दिया है इसको, वैसा भी आपको दिख सकता है। और वही अब इसको इंक्रीज़ करके देखते हैं, ये देखिए इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो पहले देखिए कि इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ आ रहे हैं। जो आपका ब्राइटेस्ट पार्ट था वो और ब्राइट होता जा रहा है, और जो डार्क वाला है वो और डार्क होता जा रहा है, और आपका फ़ोटो जो है वो निखर के आ रहा है, मतलब थोड़ा सा उसमें पॉपअप हो जा रहा है, पॉप हो जा रहा है और अपील थोड़ा सा अच्छा आ रहा है इसमें। तो कॉन्ट्रास्ट का ये एक बहुत बड़ा ये है, बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको फ़ोटो जो है अगर अपीलिंग करनी होती है तो आप उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो और ये फ़ोटो आपको थोड़ा सा अपीलिंग लगेगा। और इस जैसे फ्रेम में जब ये मैं खड़ा हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है, ये पोर्शन है, जो क्या नाम है, ये थोड़ा सा ये ऊपर वाला पोर्शन, ये आपको ब्राइट नज़र आ रहा होगा, और वहीं इस साइड को जो मेरे या पीछे साइड में जो ये डार्केस्ट पार्ट होगा, इसका शेडो होगा, और ये डिफरेंस आपको पता ही है, कॉन्ट्रास्ट। होप सो यार कि आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो गया होगा कि शेडो, हाईलाइट्स और कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। वैसे तो कॉन्ट्रास्ट को भी अगर हम डिवाइड करें तो दो हिस्सों में आएगा, दो टाइप में कॉन्ट्रास्ट आता है, एक टोनल कॉन्ट्रास्ट होता है और दूसरा एक कलर कॉन्ट्रास्ट होता है, बट इसके बारे में किसी और वीडियो में देखेंगे डिटेल में। होप सो कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।